हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मतलब ऑब्वियसली रिलेटेड टू वेजिटेबल्स, मतलब ये प्लांट से रिलेटेड होगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये बहुत ही सिंपलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो भी प्लांट न्यू प्लांट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक है, जो भी प्लांट ग्रो हुआ है वो पेरेंट की जस्ट कॉपी होगा, है ना, एग्जैक्ट कॉपी होगा वो उसकी। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप से होता है वो। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सेकेंड इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तीन टाइप से हो सकता है, बाय रूट्स, बाय लीव्स एंड बाय स्टेम। ये तीन टाइप से होगा। उसके बाद में जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें क्या, कुछ मेथड्स होती हैं जैसे कि कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं, बाय रूट्स। बाय रूट्स में क्या होता है कि जो रूट होती है ना उस पर बर्ड्स फॉर्म होते हैं, फ्लैशी थिक रूट्स पे बर्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर उस बर्ड को वी टेक आउट दैट बर्ड एंड पुट इट टू द सॉइल। जब हम सॉइल में उसको लगाते हैं फिर उसमें न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। दिस इज व्हाट बाय रूट्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, गुआवा, स्वीट पोटैटो, डालिया। ओके, सो दीज थ्री आर दी एग्जाम्पल। अब इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, रनर्स एंड अदर वन इज अंडरग्राउंड स्टैम। अब इसकी बात करें, स्टैम की बात कर रहे हैं, तो स्टैम्स जो होती हैं हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। रनर्स क्या होती हैं, दीज आर दी स्टैम्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। अब देखो इसमें क्या होगा, बर्ड फॉर्म होता है कहाँ पे, बर्ड नोड्स पे फॉर्म होता है। ठीक है, बर्ड जो है वो नोड्स पे फॉर्म होगा। तो नीचे साइड क्या होगा, नोड्स के नीचे साइड स्टैम, नोड्स के नीचे साइड रूट्स ग्रो होंगे और नोड्स के ऊपर साइड स्टैम ग्रो होता है। ठीक है, एंड बर्ड जो है, बर्ड इज द पोर्शन फ्रॉम वेयर द न्यू प्लांट ग्रोज। ठीक है, इसके बाद में स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं, स्ट्रॉबेरी प्लांट की। इसमें क्या होता है, स्टोलन होता है। ओके, स्टोलन होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज नोड्स, बट दीज आर, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रनर्स ओनली। लेट्स टॉक अबाउट अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं, तो अंडरग्राउंड स्टेम मतलब ऑब्वियसली बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जो ग्रो हो रही है उन्हें हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, पोटैटो एंड अनियन। पोटैटो देखा है हमने, पोटैटो में क्या होती है, उसकी आईज होती हैं, आईज ऑफ द पोटैटो, जिन्हें हम क्या, बर्ड्स भी बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, स्टेम कुछ ग्रो होती हैं। ओके, कुछ क्या होगा, अंडरग्राउंड स्टेम ग्रो होंगी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर ऑफ द पोटैटो। ठीक है, पोटैटो का ट्यूबर ऑफ द पोटैटो बोलते हैं। और एक्सियल रूट्स, एक्सियल शूट्स अराइज व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। कुछ आइज से क्या होगा, एक्सियल शूट्स अराइज होती हैं व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। अनियन की बात करते हैं, तो अनियन को हमने देखा है जैसे जैसे हम उसको पील ऑफ करते जाते हैं तो क्या होता है, लेयर्स के फॉर्म में, है ना, स्केल्स के फॉर्म में वो पील ऑफ होती जाती है। तो जो अनियन होती है ना उसमें स्केल लीव्स होती हैं, नीचे एक्सिलरी बर्ड होता है, बिलो द एक्सिलरी बर्ड देयर इज अ डिस्क। ओके, देयर इज अ सर्कुलर डिस्क, और उस डिस्क के नीचे से क्या है, रूट्स जो है वो इमर्ज होती हैं। दीज आर दी, इन्हें हम रूट्स, इमर्जिंग रूट्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम्स, एंड दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट। जो मॉडिफाइड स्टेम है दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट, एंड दिस इज कॉल्ड बल्ब ऑफ अनियन। दिस इज व्हाट इज दिस नोन एज, बल्ब ऑफ अनियन। सेकेंड की बात करते हैं, बाय लीव्स। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम बात करते हैं बाय लीव्स। अब लीव्स से क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है। लीव्स में बर्ड फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम में क्या होता है, इसमें कि जो लीव होती है ना उसके लीव नॉचेस पे, मतलब मार्जिन्स पे क्या होगा कि बर्ड्स फॉर्म होते हैं।
वो जो बर्ड्स है ना, दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट. तो हम उन बर्ड्स को लेते हैं, उन्हें हम सॉइल में पुट करते हैं और न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है उससे. दिस इज वॉट वेजिटेटिव प्रापोगेशन बाय लीव्स. नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रापोगेशन. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रापोगेशन तीन टाइप से होता है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. कटिंग का मतलब क्या है, कट करा हमने और उसको ग्रो कर लिया. जैसे कि अ प्लांट पार्ट इज कट एंड दैट पार्ट इज पुट इनटू द सॉइल एंड ग्रोन इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट. एग्जांपल, एक स्टेम कटिंग होगा, एक रूट कटिंग होगा. स्टेम कटिंग जैसे कि रोज एंड शुगर केन है ना, और रूट कटिंग में डालिया. नेक्स्ट वन इज लेयरिंग. लेयरिंग का मतलब क्या होता है, लेयरिंग का मतलब होता है कि न्यू प्लांट का फॉर्म होना फ्रॉम स्टेम ऑफ पेरेंट विदाउट डिटैचिंग देम इनिशियली फ्रॉम द पेरेंट. न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड विदाउट डिटैचिंग द प्लांट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. अब ये भी दो टाइप से होता है, एक होता है माउंड लेयरिंग एंड सेकेंड इज एयर लेयरिंग. अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय दिस मैथड लाइक स्ट्रॉबेरी, ग्वावा, लेमन, चाइना रोज एक्सेट्रा. अब माउंड लेयरिंग की बात करते हैं. माउंड लेयरिंग में क्या होता है कि कोई भी प्लांट है उसका हमने स्टेम लिया, स्टेम को हमने सॉइल में पुट कर दिया. थोड़े टाइम बाद क्या देखने को मिलेगा कि जो हमने सॉइल में पुट करा था जो स्टेम का पार्ट, वो विदाउट डिटैचिंग इट, ओके, रिमेंबर दिस, द पार्ट ऑफ द स्टेम विच वी टुक इज विदाउट डिटैचिंग इट, ठीक है, वो अभी भी प्लांट से अटैच्ड है. उसको हमने लिया और सॉइल में पुट कर दिया, तो क्या होगा, वहां से न्यू प्लांट ग्रो होने लगेगा. जब न्यू प्लांट ग्रो होने लगता है तो हम उस पार्ट को पेरेंट प्लांट से डिटैच कर देते हैं. दिस इज व्हाट माउंड लेयरिंग. फिर आता है एयर लेयरिंग. एयर लेयरिंग में क्या होता है, कोई भी ट्री है, ठीक है, या प्लांट है, हमने क्या करा, उसका एक ब्रांच है, उस ब्रांच पे हमने मॉइस्ट मड और मॉइस्ट सॉइल लगा दिया और उस एरिया को प्लास्टिक से कवर कर दिया. अब क्या होगा, उस जो प्लास्टिक कवर्ड एरिया है वहां पे हम थोड़े दिन बाद देखेंगे कि रूट्स आर इमर्जिंग, ओके, रूट्स इमर्ज होने लगेंगी. फिर उसको हम क्या करेंगे, उस पार्ट को डिटैच करेंगे एंड दैट पार्ट इज पुट इनटू द सॉइल एंड ग्रोन इनटू द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट. दिस इज व्हाट एयर लेयरिंग. इसे एयर लेयरिंग क्यों बोला है, क्योंकि हमने डायरेक्टली उस पार्ट को जमीन में नहीं डाला था, हमने पहले उसको इन द एयर ओनली वी हैव कवर्ड इट विथ अ मड, मॉइस्ट मड विथ एंड विथ अ कवर ऑफ प्लास्टिक एंड देन वी हैव डिटैच्ड इट एंड पुट इन द सॉइल. इसके बाद में आती है एक और मेथड, दैट इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या होगा, स्टेम कट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट अटैच टू ग्रो इनटू अ सिंगल प्लांट, ठीक है. इससे क्या होगा, जब हम दो प्लांट से कट करके लाए और फिर उसको एज अ सिंगल प्लांट हमने अटैच करके ग्रो कर दिया, इससे क्या होगा, वेराइटी जो है ना, प्लांट की जो वेराइटी है वो इम्प्रूव होती है, क्वालिटी इम्प्रूव्स. ग्राफ्टिंग से क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है. अब ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, इसमें दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट. जो लोअर पार्ट है उसको स्टॉक बोलते हैं. तो जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट, ठीक है. एग्जांपल, लेमन एंड ऑरेंज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन प्लांट. लेमन और ऑरेंज को हम एक ही प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं, और टू डिफरेंट स्कायोन्स फ्रॉम सेम स्टॉक. अब इसमें क्या है, लोअर पार्ट इज स्टॉक, अपर पार्ट इज स्कायोन. अब ये दोनों क्या होते हैं, इन्हें हम इस तरह से कट करते हैं, बेसिकली इस टाइप से कट करते हैं कि जब हम अटैच करें इन्हें तो कोई गैप नहीं रहना चाहिए, देयर शुड बी नो गैप वाइल वी आर अटैचिंग देम, ठीक है. इस टाइप से इन्हें हम कट करके अटैच करते हैं और हम दो डिफरेंट स्कायोन्स को सेम ही स्टॉक पे ग्रो कर सकते हैं. दिस इज व्हाट ग्राफ्टिंग. So here we complete our asexual mode of reproduction. In next class we will study about sexual reproduction.